गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं एक नई ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ जिसमें इसमें केवल सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का केवल प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराया जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ये सारा अगर सॉल्व कर लिए तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम, चाहे वो BA का हो, चाहे ये BSc का हो, चाहे BCom का हो, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम को। तो इसमें मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम दिया है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित हुआ, यानी जहाज को चलाने वाला कप्तान वैसे ही अखबार को चलाने वाला कौन होता है। तो ऑप्शन में आपका दिया है पाठक, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है उस आंसर को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे और अपना रेशियो देखेंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि जहाज कप्तान संबंधित है वैसे ही अखबार संपादक से संबंधित है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, संपादक। जिस प्रकार जहाज कप्तान संबंधित है वैसे ही अखबार संपादक से संबंधित है। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न में दिया है मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जल से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है जल, बी नंबर में भोजन, सी नंबर में आकाश, डी में वायु। तो जिस प्रकार मछली जल में विचरण करती है वैसे ही चिड़िया आकाश में विचरण करती है, चिड़िया आकाश में विचरण करती है यानी आकाश में उड़ती है। तो मछली का संबंध जल से, वैसे चिड़िया का संबंध आकाश से होगा। तो आप इस प्रश्न को अपने खुद सॉल्व करेंगे, मैं तो यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ लेकिन आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न दे रहा है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। प्रश्न में कह रहा है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, अर्थात सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो सानिया मिर्जा आप आसानी से जान सकते हैं सानिया मिर्जा क्या खेलती थी। ऑप्शन में है ए टेनिस, बी नंबर में शिक्षा, सी नंबर शतरंज, डी नंबर बॉक्सिंग। तो इसका खुद आप आंसर देंगे, बाकी हम तो बता रहे हैं। तो यहाँ टेनिस होगा, सानिया मिर्जा टेनिस से जुड़ी हैं, यानी सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन इज राइट। यहाँ दे रहा है फोर नंबर में यन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस वी से, यानी यन क्यू जिस प्रकार संबंधित है एस वी से उसी प्रकार डी एफ किससे संबंधित है। तब यहाँ हम देखेंगे यन क्यू और यस भी, तो यन में देख रहे कितना जुड़ रहा है तो यस आ रहा है, तो संबंधित यन में प्लस पांच हम जुड़ रहे हैं तो यस प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार क्यू में प्लस पांच जुड़ रहे हैं तो भी प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार डी में हम जोड़ेंगे, डी में प्लस पांच जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो डी में पांच जोड़ेंगे ई एफ जी एच आई, तो ये आपका आई प्राप्त होगा। तो डी में प्लस पांच जोड़ेंगे तो आई प्राप्त होगा। उसी प्रकार एफ, एफ में प्लस पांच जोड़ते हैं तो आपका के प्राप्त होगा, जब एफ में पांच प्लस आगे जाते हैं तो के प्राप्त होगा। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे कि आई और के ऑप्शन में दिया है या नहीं। ए में जेएम दिया है, गलत है। बी में दिया है आई के, तो आई के, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जी राइट होगा। चौथा नंबर प्रश्न हो गया, पांचवा नंबर हम प्रश्न देखते हैं। टीई ए सी एच ई आर टीचर का संबंध दिया है इससे, तो उसी प्रकार प्रश्न पांच में हम देखेंगे टीचर, टीचर का जैसे ये बनाया हुआ है तीन तीन का ग्रुप बनाकर किया हुआ है, जैसे ये तीन का ग्रुप इधर तीन ग्रुप और जो सेंटर में है उसको सेंटर में ऐसे ही छोड़ दिया है, यहां भी ऐसे किया है, वैसे ही मदर्स में देखेंगे
तो मदर्स में एम ओ टी का एक अलग ग्रुप और ई आर एस का अलग ग्रुप, यच का वो सीधे ही रहेगा अपने स्थान पर। तो जब इसको हम बनाएंगे तो ई आर एस पहले आ जाएगा, ई आर एस पहले आएगा और यच अपने जगह पर वैसे ही आ जाएगा और एम ओ टी अंत में चल जाएगा, एम ओ टी। तो इसमें ऑप्शन को मिलाएंगे ई आर एस एच एम ओ टी, ई आर एस एच एम ओ टी, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, यानी सी नंबर एंड प्रश्न नंबर पांचवें का आंसर जो होगा आपका सी होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे छठे नंबर प्रश्न में दिया है छह का संबंध 38 से है तो सात का संबंध किससे होगा। तो यहाँ लॉजिक हम देखेंगे छह का पहले स्क्वायर करेंगे, तो जब छह का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है और देखेंगे प्लस दो जोड़ दिया है तो छ में स्क्वायर करेंगे 36 होगा, दो जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। उसी प्रकार सात का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और दो जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ रूल जो फॉलो कर रहा है छह का स्क्वायर और दो जोड़ देना, वैसे सात में स्क्वायर करेंगे और दो जोड़ देंगे तो आपका 51, तो डी नंबर आपका सही है, इस प्रश्न का डी नंबर आपका सही है। अब सातवें नंबर में देखते हैं सी डी एक्स डब्लू एम एन, तो एम एन का ही संबंध पूछ रहा है तो सी डी का संबंध एक्स डब्लू से है और एम एन का संबंध किससे होगा। तो सी, सी मतलब क्रेक्स, क्रेक्स मतलब सी एक्स, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी मतलब ड्यू, ड्यू मतलब डी का अपोजिट डब्लू हो गया, वैसे ही यम यन दिया हुआ है तो यम का अपोजिट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो यम का अपोजिट यन होगा और यन का अपोजिट यम होगा, तो सी नंबर ऑप्शन का सही है, सी नंबर इज राइट आंसर होगा। इसमें दिया हुआ है भेड़ का, भेड़ का संबंध मटन से है, भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरण का संबंध किससे होगा, यानी भेड़ के मांस को मटन कहते हैं और उसी प्रकार हिरण के मटन क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं या बी नंबर मीट कहते हैं या सी नंबर फ्लैश कहते हैं या डी नंबर वेनिजन कहते हैं। तो इसको हम बंद कहते हैं वेनिजन, यानी इसके मांस को वेनिजन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, हिरण के मांस को वेनिजन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न में कह रहा है मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा, मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है धागा से, बी नंबर कपड़ा से, सी नंबर कमीज से, डी नंबर बजाज से, तो इसका सही आंसर होगा यानी चमड़ा मोची सिलता है, उसी प्रकार कपड़ा दर्जी सीता है, उसी प्रकार कपड़ा दर्जी सीता है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 11 132 होगा तो इसका क्या होगा आगे, तो देख रहे हैं 11 में एक बढ़ा करके बुरा करते हैं, 11 × 12 करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 132। उसी प्रकार 15 में ज्यादा अंक है इसलिए नहीं ये हो पाएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 में 10 का ही है तो जिसका गुणा करना उसे एक अगले अंक से करना है, 13 का 13 करते हैं तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ 9 का 10 से करते हैं, 9 × 10 = 90, तो 9 × 90 यानी इसका ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि जैसे 11 है तो 11 × 12 में करेंगे 132 से एक बढ़ा करके, उसी प्रकार 9 × 1 = 10 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर सही होगा, 9:90। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, टेडरपोल, टेडपोल का संबंध किससे होगा, जैसे कैटरपिलर का संबंध तितली से है, यानी तितली का जो साइंटिफिक नेम होता है कैटरपिलर होता है, उसी प्रकार किसका साइंटिफिक नाम टेडरपोल होता है। तो यहाँ देखते हैं कौवा, कौवा का नहीं होगा, हंस, हंस का भी नहीं होगा, मछली, मछली का नहीं, तो मेढक, मेढक को हम टेडरपोल कहते हैं, यानी साइंटिफिक जो नाम है मेढक का वो टेडरपोल होता है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है धनुष का संबंध वाण से है, धनुष का संबंध वाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा, यानी धनुष में वाण से चलाया जाता है उसी प्रकार पिस्तौल में क्या भरकर चलाया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा गोली, बुलेट या बंदूक या गोली मारना या राइफल, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए, यानी गोली में, यानी गोली भरा जाता है पिस्तौल में, गोली या बुलेट भरा जाता है तो इससे चलाया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है पोशाक दर्जी, पोशाक का संबंध दर्जी से है तो किसका संबंध बढ़ई से होगा, तो यहाँ देख रहे हैं पोशाक, दर्जी पोशाक सीता है तो बढ़ई जाहिर सी बात है वो फर्नीचर से काम करता होगा, यानी वो फर्नीचर बनाता है, जैसे दर्जी पोशाक को सिलता है वैसे ही बढ़ई फर्नीचर बनाता है। आगे दिया है 7 नंबर में पेन का संबंध कवि से है, पेन का संबंध कवि से है, यानी कवि पेन से लिखता है तो सुई का संबंध किससे होगा, जब पेन कवि पेन से लिखता है
तो सुई सिलाई का काम करती है, सुई सिलाई काम करती है, जिसका ऑप्शन सी डी नंबर सही होगा, सी नंबर। तो इसका सिलाई होगा आपका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है शेर का संबंध माद से है, शेर का संबंध माद से है। जब शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा, यानी शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है। ऑप्शन है छेद में, ऑप्शन बी गड्ढा में, सी नंबर बिल और डी नंबर खेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सही ऑप्शन होगा सी, यानी शेर माद में रहता है तो खरगोश बिल में रहता है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, अभी और प्रैक्टिस में प्रश्न आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। तो चलिए मित्रों अब हम 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा, अर्थात चेचक विषाणु से होता है तो जीवाणु से क्या होता है। ऑप्शन दिया है छोटी माता, फिर दिया है टाइफाइड, सी नंबर दिया है मलेरिया और डी नंबर दिया है निद्रा रोग। तो जीवाणु से आपका मलेरिया रोग होता है, यानी जीवाणु से मलेरिया होता है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यानी चेचक से विषाणु होता है तो मलेरिया से जीवाणु, यानी जीवाणु जो होता है वो मलेरिया से ही होता है। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है घर का संबंध रसोई से है तो पौधा का संबंध किससे होगा, यानी घर का मूल स्थान रसोई होता है, यानी घर में ही रसोई होता है, वैसे ही पौधों में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया जड़, बी नंबर मिट्टी, सी में दिया तना और डी में पत्ती। तो पौधों का जो मूल स्थान होता है, मूल चीज जो होता है वो जड़ होता है, तो पौधे का संबंध हो जाएगा जड़ से और इसका हो जाएगा मलेरिया से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे बाली का कान से संबंध है तो कलाई में क्या पहना जाता है। ऑप्शन ए है झुमका, ऑप्शन बी है चेन, ऑप्शन सी है चूड़ी और ऑप्शन डी है फीता। तो कान में बाली पहना जाता है, उसी प्रकार कलाई में क्या पहना जाता है, झुमका चेन या चूड़ी, तो चूड़ी पहना जाता है कलाई में। 11 नंबर क्वेश्चन में कान में बाली पहना जाता है और कलाई में चूड़ी पहना जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आभूषण सोना से संबंधित है तो फर्नीचर किससे संबंधित है, यानी जो आभूषण होता है वह सोना से चांदी से ही बनता है, लेकिन यहाँ इंडिकेट सोना को किया है, तो आभूषण सोना से बनता है तो फर्नीचर से किससे बनता है, तो फर्नीचर लकड़ी से बनता है, फर्नीचर आपका लकड़ी से बनता है। आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ई एफ जी का संबंध आई जे के से है तो यम एन ओ का संबंध किससे होगा। यहां आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक का गैप मिल रहा है, ई एफ जी एच का गैप आई जे के, फिर यहां देखेंगे यम एन ओ पी को छोड़ देंगे क्यू आर एस, क्यू आर एस इस ऑप्शन में देखना क्यू आर एस, क्यू आर एस सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ बस हमको देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक हम दूसरे में लगाएंगे। तो यहाँ दिया है ई एफ जी और एच को गैप करके छोड़ दिया है, फिर आई जे के लिखा है और फिर यम एन ओ तो पी को हम लोग छोड़ देंगे और फिर क्यू आर एस, तो आपका क्यू आर एस राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कली का फूल से, कली का संबंध फूल से है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो एक दूसरे का सही संबंध दर्शा रहा है, यानी कली का ही विकसित रूप फूल होता है, कली का विकसित रूप फूल होता है, उसी प्रकार किसका विकसित रूप क्या होता है। देखेंगे मिट्टी का कीचड़, पौधों का पेड़, नदी का हिम नदी, चिड़िया का पेड़, तो इसमें लमसम आपका आंसर है बी नंबर, यानी पौधों का जो होता है पहले छोटा होता पौधा और उसका विकसित रूप ही पेड़ होता है, पौधे का विकसित रूप पेड़ होता है, पौधा का संबंध पेड़ से है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे दिया है 15 नंबर में, 15 नंबर प्रश्न में दिया है पंछी का संबंध पंख से है, अर्थात पंछी पंख से आसमान में उड़ती है, तो निम्न में से किसका संबंध सही है,
वृक्ष पत्तियों से है, महिला पोशाक से है, मछली शल्क से है, त्वचा से मनुष्य है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे पंख से पक्षियां उड़ती हैं, वैसे शल्क से मछली पानी में तैरती है, वैसे शल्क से मछली पानी में तैरती है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम और इसमें ऐड कर रहे हैं जिसको फिर आगे हम बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया है क्रिकेट का संबंध गेम से है तो निम्न में से किसका संबंध सही है, यानी बुक का रीड से, किंग का रूल से, हिंदी का लैंग्वेज से, या कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली से। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही, यानी क्रिकेट एक गेम है उसी प्रकार हिंदी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी एक लैंग्वेज है, ये आपका सही आंसर होगा। तो यहां लिखेंगे हिंदी लैंग्वेज। उसी प्रकार हम 17 नंबर है, 17 नंबर प्रश्न में दिया है कैंची का संबंध कपड़ा से है, कैंची का संबंध कपड़ा से है तो निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसमें दिया लेखनी का स्याही, उस्तरा का दाढ़ी, भट्टी का धुआं, कील का हथौड़ा। तो यहाँ कैंची का कपड़ा यानी कैंची कपड़ा काटने के काम आता है, उसी प्रकार उस्तरा दाढ़ी बनाने के काम आता है, तो बी नंबर आपका सही है, यहाँ लिख देंगे उस्तरा का दाढ़ी से। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चार समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है, यानी उस समूह को ज्ञात करना है कि ये दिए हुए समूह के समान है। तो यहाँ देखेंगे कितने कितने का क्या रूल लगाया हुआ है इसने, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो अंतर 7 का हो रहा है, और 27 में से 20 को घटाएंगे उसमें भी अंतर 7 का हो रहा है, यानी इनमें जितने हैं इनमें अंतर 7-7 का हो रहा है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे किसमें कितना अंतर हो रहा है। देखा जाए 30 और 11 से इसमें अंतर 19 का हो रहा है, और यहाँ आपका अंतर 7 का हो रहा है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। 18 में 25 का देखेंगे तो 18 7 25 होता है, और 25 में 7 जुड़ेंगे 32 हो जाएगा, तो यहाँ अंतर 7 का हो रहा है, यहाँ तो ये ऑप्शन सही दिख रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे। 18 में कितना जोड़ा गया, 27 हो गया, 18 में 9 जोड़ देगा 27 हो गया, लेकिन यहाँ 72 ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, ये गलत होगा। यहाँ 7 जोड़ दे रहे हैं तो 14 हो जा रहा है, 14 में 14 को डबल कर रहे हैं तो 28 हो रही, ये गलत हो गया। तो यहाँ आपका बी नंबर आपका आंसर सही हो गया, यानी सब में 7 7 7 जोड़ा गया है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसी प्रकार हम 19 नंबर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और देखेंगे इसमें दिया है 6 12 और 18, तो इनमें देख रहे हैं अंतर मिल रहा है 6 6 का, अंतर मिल रहा है 6 6 का, यानी समान अंतर है। तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ए नंबर में दिया है अंतर देखा जाए तो इसमें 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ आकर के अंतर ज्यादा हो जा रहा है, ये गलत हो गया। फिर उसी प्रकार इसमें जाएंगे तो 12 में इसमें देखेंगे तो 12 का अंतर हो गया, इसमें देखेंगे फिर 12 का अंतर हो गया, यानी इसमें 12 12 का समान अंतर है। फिर आगे और देखेंगे इसमें देख रहे हैं तो 14 का अंतर है, फिर इसमें देख रहे हैं तो 16 का अंतर है, ये भी गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं तो फिर डी नंबर में 6 का अंतर है, और फिर इसमें देख रहे हैं तो 6 का अंतर है। तो जब हम देख रहे हैं 6 6 का अंतर है, इसमें भी 6 और 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 6 का अंतर है और यहाँ भी 6 6 का अंतर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 6 6 का इसमें भी अंतर है। आगे दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 20 नंबर दिया है 4 का संबंध 19 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ हमको चेक करना है कि 4 का संबंध कैसे आया है। तो यहाँ देखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे तो 3 जोड़ देंगे, प्लस 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर किया गया है और 3 जोड़ देंगे तो 19 हो गया। और इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और प्लस 3 जोड़ देंगे तो आपका 28 हो जाएगा, तो 25 3 28, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ेंगे, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करके 3 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ 21 नंबर में देख रहे हैं तो डी ए वाई जस दिया हुआ है, का संबंध ए डी एस वाई से दिया हुआ है तो एम ए एन वाई का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं डी ए वाई एस का, डी ए वाई
एस, तो इसमें क्या किया है, एक दूसरे को पलट दिया है, प्लेस वैल्यू यानी स्थान अपना बदल दिया है। तो यहाँ ए आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ यस आ गया, यहाँ वाई, तो ए डी एस वाई, ए डी एस वाई। उसी प्रकार यही रूल हम इस पर फॉलो करेंगे यम ए एन वाई का, यम ए एन वाई। तो यम ए एन वाई को जब हम बदलेंगे आपस में, तो यहाँ इसका आपस बदल जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ यम हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा और यहाँ एन हो जाएगा। तो ए एम वाई एन, इसमें देखेंगे ए एम वाई एन, पहला आंसर ही सही आपका है, ए नंबर राइट हो गया। अब 22 नंबर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ दे रहा है 6 का क्या संबंध है कि 220 हो गया, तो 8 का संबंध किससे होगा। तो 6 का अगर हम देखें तो 6 का क्यूब करते हैं, 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आपका हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 216 होता है। उसी प्रकार 8 का क्यूब करते हैं तो यहाँ 8 का क्यूब देखेंगे तो 8 का क्यूब जो होता है वह 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो हम इसमें क्या जोड़े, यानी पहला रूल में दिया है 6 का, 6 का दिया है 220, 6 का 220 दिया है, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 8 का जब क्यूब करते हैं तो 8 का जब क्यूब करेंगे तो 512 होगा, और 512 में हम फिर इसी रूल को फॉलो करते हुए 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 516 हो जाएगा। तो 516 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का पूरा प्रैक्टिस सेट। अब पूरा प्रैक्टिस सेट हम करा दिए हैं, अब ये चैप्टर आज यही फिनिश किया जा रहा है, कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत होगा। तो जो हम आपको सिलेबस लिखवाए थे उसी में से जो चैप्टर आएगा उसी में से पढ़ाया जाएगा कल, और बाकी प्रैक्टिस सेट आप खुद सॉल्व करेंगे अपने पेज पर, और सॉल्व करके हमको कमेंट में आंसर देंगे।